सर्दी मैंने बहुत फास्ट चलाया ना। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? और आज है मंडे, मैं आज का ब्लॉग शूट कर रही हूँ। तो मैं थोड़ा सा अपना रूम यहाँ कर, एक्चुअली यहाँ पे हमारे कुछ बचपन की यादें हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी। एक्चुअली ये हाउस तो वो नहीं है जहाँ पे हम पहले रहते थे, ये दूसरा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा दिखाती हूँ क्या स्पेशल है। एक्चुअली ये जो आपको इस रूम में जो ये पीछे दिखाई दे रहा है ना बेड, ये बहुत स्पेशल है क्योंकि ये ही वो बेड है जिसपे हमारा, हम जो बहन भाई सबका बचपन बीता है। एक्चुअली क्या है, जो मेरी मम्मी की जब शादी हुई थी उस टाइम का बेड है। तो मतलब मैंने सोचा कि आप लोगों को थोड़ा सा दिखाऊं, है तो काफ़ी पुराना लेकिन हमारे लिए बहुत स्पेशल है। और सब चीज़ें तो नहीं है यहाँ पर, ऐसे बस जैसे होता है ना एक दो सामान ही बच जाते, तो उनमें से भी ये बचा हुआ है बेड। एंड और जहाँ हम पहले रहते थे उस वाले हाउस को भी मैं दिखाऊंगी। एक्चुअली वहाँ पर कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है तो वहाँ पर भी मैं आपको दिखाऊंगी थोड़ा सा व्लॉग। और ये अभी ऊपर वाला रूम है जहाँ पर हम कल सोए थे ना, वो वाला रूम ग्राउंड फ्लोर पर है। ये फर्स्ट फ्लोर है, इस फर्स्ट फ्लोर पर ये हमारा रूम है, ये बेडरूम है। और इसमें आपको ये ना जैसे खुल के ये हमारी छोटी सी बालकनी है। यहाँ पे जो हाउसेज हैं वो बहुत ज़्यादा पास पास है, जैसे आपको दिख ही रहा होगा सामने वाला हाउस कितना पास में है। तो यहाँ पर अभी मेरी मम्मी और बड़ी वाली दीदी नहीं है, वो बाहर शॉपिंग के लिए चांदनी चौक गई हुई हैं। आज मंडे, आज मेरा फास्ट है तो मैंने कहा कि मैं इतना नहीं कर सकती कि पूरे चांदनी चौक में घूम सकूँ मैं और फिर वापस भी आए वहाँ से, क्योंकि जाने में ही टाइम लगता है और आने में भी टाइम लगता है, ठीक है। तो फिर मैं तो उनके साथ नहीं गई, मैंने बोला आप ही शॉपिंग कर लेना, अभी बाकी सब मेंबर्स हैं, बस मेरी मम्मी और दीदी ही बाहर गए हुए हैं। फ्रेंड्स, अब लंच टाइम हो रहा है, तो ये जो भिंडी की सब्ज़ी है ये मेरी मम्मी बना के गई थी सुबह में, लेकिन जो मेरा बड़ा भाई है वो कह रहा है कि उसे भिंडी खाने का मन नहीं हो रहा है, तो फिर उसके लिए मेरी भाभी ने अलग से आलू टमाटर की सूखी सब्ज़ी बनाई है और साथ में रोटी बना लेंगे, और उसके साथ में मीठी दही खाना भी उन्हें अच्छा लगता है, तो अभी तो उन्हीं का लंच बनाया जा रहा है। कुछ देर बाद मेरा छोटा भाई भी आ जाएगा तो फिर उसके लिए बनाएंगे, तो अभी तो यही सब बनाया है अभी लंच में। कितनी बोली थी मम्मी ने देने के लिए? ऐसे में ना आधा गिलास। ऐसे में आधा गिलास। ये देखिए गाइस, इसका कौन सा ग्लास का साइज है, ये इतना बड़ा ग्लास कह रहा है सिर्फ आधा सा ग्लास दे दो इसे कोल्ड ड्रिंक, ये वाला साइज नहीं बोला मम्मा ने। ये वाली लोगे ना? Thank you.
फ्रेंड्स, अभी मैं नीचे वाले रूम में आ गई हूँ जहाँ हम कल सोए थे ना। मैंने आपको बताया था, देखो उसका क्या हाल कर रखा है बच्चों ने। एक्चुअली वही है कि सोफ़ा भी बन जाता है और वो आप उसको बेड भी बना सकते हो। तो अभी इस टाइम पे बच्चों ने कुछ ऐसी शेप दी हुई है अपने खेलने के लिए। और यहाँ पर फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने बताया था कि हम पहले दूसरे हाउस में रहते थे, तो अभी हम उसी तरफ जा रहे हैं। एक्चुअली वो यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, सिर्फ 2 मिनट लगते हैं जाने में। और एक्चुअली ऐसे होता था ना कि जो हमारे पहले की प्रॉपर्टीज़ होती है तो उसी टाइप से है, एक ही एरिया में हमारे 3 जगह बने हुए हैं घर। तो अभी हम दूसरे घर में जा रहे हैं जहाँ पर हम पहले रहते थे। वहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है और वहीं पर मेरी ताई जी भी रहती हैं, तो मैं उनसे भी मिलने जा रही थी और सोच रही थी जो कंस्ट्रक्शन वर्क है वो देख लेती हूँ क्या कैसा किस टाइप का बन रहा है घर। तो उसी के लिए अभी हम जा रहे हैं। ये मेरे साथ सैंडी और ये मेरी दीदी का बेटा जा रहा है साथ में, तो हम ही लोग जा रहे हैं बस। फ्रेंड्स, ये जो आपको सामने बिल्डिंग दिखाई दे रही है, ये हमारा न्यू हाउस। एक्चुअली जो मैंने आपको बताया था कि जहाँ पर हम पहले रहते थे तो हम यहीं पर रहते थे, और यहाँ पर वो जो पहले घर था उसको दोबारा से बनाया जा रहा है। तो मैं उसी का थोड़ा सा सीन दिखा रही हूँ आपको। अभी यहाँ पर पूरा नहीं बना है घर जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, तो अभी सिर्फ इतना ही काम हुआ है। कभी देखो हम इन फ्यूचर यहाँ पर शिफ्ट होते हैं, लेकिन अभी तो यहाँ पर सिर्फ काम ही चल रहा है। एंड फ्रेंड्स, यहाँ पर ही इसके बराबर में मेरी ताई जी का भी घर है। जैसे मैंने एक वीडियो में आपको बताया था कि जो मेरी फैमिली है वो भी साथ में ही रहती थी, तो यहाँ पर ताई जी का भी घर है बराबर में। मैं वहाँ भी दिखाऊंगी आपको। आपको मेरी वीडियोस में देखा होगा, जो मेरी जेठानी है वो उनकी मम्मी है, यानी कि जो मेरी जेठानी मैंने आपको बताया था कज़िन सिस्टर है, तो उनकी मम्मी से मिलवाने जा रही हूँ मैं आपको अभी, ठीक है। और फ्रेंड्स, ये है मेरी ताई जी का घर। एक्चुअली उनकी तबीयत कुछ ठीक से नहीं थी, तो इसीलिए मैंने बहुत ज़्यादा ऐसे रिकॉर्ड नहीं किया है, ना उनसे कुछ ऐसे बुलवाया था, थोड़ा सा ही सीन रिकॉर्ड किया है उनका। ये मम्मी और दीदी आ चुके हैं शॉपिंग करके, तो यहाँ पर हमारे सूट वगैरह रखे हुए हैं जो वो लेकर आए थे। यहाँ पर मेरे दीदी और जो मेरी भाभी हैं उनके लिए शॉपिंग करके लाए हैं, तो अभी वही सामान रखा हुआ था। अगर तो क्या बोलेंगे हम, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। और हम फिर मिलेंगे, मैगी खा लो, और हम फिर मिलेंगे नए व्लॉग में। तब तक के लिए बाय। कैसे बोलोगे बाय बाय? तो फ्रेंड्स, अभी मैं सोने के लिए जा रही हूँ। और जैसे कल हम नीचे वाले रूम में सोए थे, आज वहाँ नहीं, आज मैं ऊपर सोऊंगी। एक्चुअली क्या है, जो सैंडी बोल रहा था सार्थक और मुक्की के साथ सोना है उनके रूम में, तो आज मैं उनके रूम में जा रही हूँ। तो आज हमारी सोने की जगह चेंज हो गई है। ऐसे ही होता रहता है, कभी किसी रूम में सो जाते हैं, कभी किसी रूम में, तो कोई फिक्स नहीं है।